चकित चितौ मुदरी पहचानी। हनुमान जी से राम कथा कहने लगे। जानकी जी ने कहा जिसने इतनी सुंदर कथा सुनाई उसे भी तो देखें। हनुमान जी बोले बस माता कथा ही सुंदर है, कथा कहने वाला तो बिल्कुल बंदर है, ये छिपाही रहे सो अच्छा। और जानकी माता बोली बंदर ही सही, कथा सुनाने वाला तो सुंदर आवे। हनुमान जी सामने गए, जानकी माता ने देखा, फिर बैठी मन विस्मय भयो। हनुमान जी ने कहा राम दूत मैं मात जाने दे, हे माता मैं राम जी का दूत हूं, सत्य शपथ करुणा निधान। और ये कहते कहते हनुमान जी के आंखों से आंसू बरसने लगे। कपि के वचन सप्रेम सुन उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन यह कृपा सिंधु कनदास। नरवान नहीं संग को कैसे कही कथा भई संगत जैसे। परिचय होने पर कुशलता पूछने के बाद श्री जानकी जी ने एक ही बात कही, आ नाथ हो निपट विसारी, भगवान ने हमें भुला दिया। हनुमान जी बोले नहीं माता, भगवान ने आपको नहीं भुलाया, तो जयंत के पीछे तो बाण लगा दिया, चरण पर चंचुका प्रहार करने वाले के पीछे बाण, और हरण करने वाला अब तक आराम से बैठा है। श्री हनुमान जी ने कहा माता वहां भगवान के पास धनुष्वान कहां था, प्रभु तो आपका श्रृंगार कर रहे थे। जानकी माता बोली हाँ बेटा, प्रभु ने उन्हें लकड़ी की सीखे उठाई, एक को धनुष बनाया एक को बाण, तो सीख क्या बाण बनी होगी। नहीं नहीं प्रभु का संकल्प है, तो मां औरों को तो सीख ही दिख रही होगी, बाण है ये तो पता आपको होगा। हाँ तो हनुमान जी बोले ऐसा भी तो हो सकता है कि हरण करने वाले रावण के पीछे किसी और रूप में बाण को लगा दिया हो। और रूप में, किस रूप में? हनुमान जी ने कहा कि माता सामने देखो, ये वानर के रूप में राम जी का बाण ही है, जिम अमोघ रघुपति कर बाना ए ही भांति चले हुआ हनुमाना, ये बाण है। तनुज वन कृषानम रघुपति बाण कृषान, श्री हनुमान जी कहते जननी हृदय धीर धर जने निशाचर जान, ये राम जी का बाण है। सिंह के रूप में जयंत के पीछे बाण लगाया, वानर के रूप में हम रावण के पीछे बाण को लगा दिया। बेटा हनुमान अच्छा किया कि तुमने हमें बता दिया, तुम ना बताते तो मैं कैसे जानते। हनुमान जी ने कहा माता मैं भला आपको बताऊंगा, आपको स्वयं पता लग गया। और आपने रावण से कह भी दिया, जब रावण ने कृपाण उठाई तो आपको लगा क्या मैं यहाँ बिल्कुल अकेली हूं, तो जैसे ही आपने सोचा तो आपको पता लग गया कि हनुमान यहाँ है। तो आपने रावण से भी कहा असमन समुझ कात जान की, खर सुधि नहीं रघुवीर बाण की। अरे खर तुझे राम जी के बाण की खबर नहीं है, अगर अंतर कथाओं का सहारा न लिया जाए तो राम जी के बाण के रूप में तो यहाँ अर्थ श्री हनुमान जी का ही ध्वनित होता है। हनुमान जी बोले माता चिंता मत करो, राम जी आएंगे साथ में, हम सब लोग आएंगे। अब इतने छोटे से हनुमान जी श्री जानकी माता से कहेंगे निश्चित रहो हम लोग रहेंगे। जानकी माता बोली बेटा सभी सब सभी वानर तुम्हारे ही तुम्हारे जितने। हनुमान जी बोले हम तो उनमें बहुत बड़े हैं, बाकी सब छोटे छोटे हैं, हम सीनियर हैं बाकी जूनियर। जानकी माता बोली तो हो चुका हमारा उद्धार, वहां से लगी यहाँ सीनियर इतने से हो। कई बार मुझे लगता है अंग्रेजी का शब्द सीनियर, सी माने देखो, नियर माने नजदीक से जो दिखे, दूर से दिखे ही नहीं। हनुमान जी ने कहा माता संदेह है? जानकी माता ने कहा मोरे हृदय परम संदेह, सुन कभी प्रकट की निज देहा। श्री हनुमान जी ने विशाल रूप में अपने को प्रकट किया, जो जानकी माता हनुमान जी को ऐसे देख रही थी वो ऐसे देखने लगी। बेटा भरोसा हो गया, हनुमान जी छोटे बने, जानकी माता ने आशीर्वाद दिया और कहा कि वत्स हनुमान जब तुम इतने बड़े थे तो इतने छोटे बनकर क्यों आए। हनुमान जी ने कहा कि माता बेटा कितना ही बड़ा हो पर माँ के आगे तो छोटा ही है, और मैं तो छोटा ही था फिर इतने बड़े कैसे बने। कहिए तो आपकी कृपा दृष्टि का चमत्कार है, आपकी दृष्टि जिस पर पड़ जाए वही छोटे से बड़ा बन जाता है। हनुमान जी ने कहा कि माता मुझे आशीर्वाद मिल गया,
अभी तक मैं राम जी का दूत था, लेकिन अब सीता राम जी का पूत हूं। आपने आशीर्वाद दिया पर मेरी माता, मेरा आज जन्म हो गया है। जानकी माता बोली, मुझे भी तुम्हारे जैसा बेटा मिल गया। श्री हनुमान जी ने कहा, माता जन्म लेते ही मेरी एक आदत है, बड़े जोर की भूख लगती है। अंजनी माता के गर्भ से जन्म हुआ, जन्म थे जगी जठर की ज्वाल गगन में, मारी ही कुछाल कृषे रवि बाल जाने फल लाल, आपकी जय हो जय हो जय हो। श्री हनुमान जी ने सूर्य भगवान को फल समझ के मुख में रख लिया। बाद में देवताओं ने प्रार्थना की, छाण दी और रवि कष्ट निवार। एक सज्जन ने श्री तुलसीदास जी से कहा, सूर्य भगवान उदय होते तब लाल रहते, थोड़ी देर में पीले पड़ जाते हैं, क्यों? श्री तुलसीदास जी बोले, हनुमान जी के डर से, कहीं हनुमान जी फिर फल न समझ लें। क्या को बाल विनोद समझ मन डरत दिवाकर घोर को। जब हनुमान जी बड़े हुए तो सूर्य भगवान से पढ़ने गए, गुरुदेव मुझे पढ़ाइए, मैं आपकी शरण में आया। सूर्य भगवान ने देखा, इस बालक को तो पहले भी कभी देखा है पर याद नहीं आ रहा कहां देखा है, याद आ गया, आ गया, ये वही बालक है, एक बार बचपन में आया था। ऐसे विद्यार्थी को पास रखना ठीक नहीं। पढ़ते पढ़ते कब भूख लगा, उतनी दूर से छलांग लगा कि आगे अब तो ये सामने ही रहेगा। सूर्य भगवान बोले, हम चलते फिरते गुरु जी हैं, एक जगह नहीं रहते, तुम एक जगह रहने वालों से पढ़ो। हनुमान जी बोले, हम चलते फिरते विद्यार्थी बन जाएंगे, गुरु जी पढ़ेंगे आपसे। ये तो पहले ही पढ़ गए। सूर्य भगवान ने कहा, एक बात और है कि आमने सामने रहे तब तो पढ़ाई होगी, हम आगे आगे चलेंगे तो हमारी पीठ तुम्हारी तरफ, तुम आगे आगे चलोगे तो तुम्हारी पीठ हमारी तरफ, फिर पढ़ाई कैसे होगी। हनुमान जी ने कहा, ये बात तो कठिन है। सूर्य भगवान बोले, इसलिए तो कहने रहने दो। पर हनुमान जी ने कहा, गुरु जी इसका भी समाधान मिल गया, क्या हम आपके